किचन में आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ लेमिंगटन्स, क्योंकि मुझे शेयर करनी है आपके साथ रेसिपी और मुझे खुद भी दोबारा खाने का मन कर गया था, तो चलो फिर से बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ बटर, मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और ये है मैदा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेकिंग। इसके बाद पाउडर शुगर, कैस्टर शुगर, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करूँगी पाउडर शुगर। एग्स, ये इसमें से आपको कितने लगेंगे ये मैं आपको बनाते वक्त बताऊँगी। और साथ ही में वनीला एसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पॉन्ज केक। इसके साथ साथ हमें मिल्क की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो जैसे कि मैंने आपको बेकिंग में हमेशा बोला है, सबसे पहले आप अपना ओवन जो है वो प्री हीट करने पर लगाएंगे और ये हम अंदाजन 180 डिग्रीज पे इन करेंगे। और ये करेक्ट है, दोनों तरफ से हीट चाहिए हमें, नीचे से भी ऊपर से भी। एंड दिस वी विल पुट इट ऑन फॉर 10 मिनट्स। सो हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है, तब तक हम अपना केक रेडी कर लेते हैं। ओवन हो गया है, ओवन रख दिया हमने प्री हीट होने, ऑन कर दिया उसे। अभी सबसे पहले जब भी हम केक बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया इट्स स्पॉन्ज केक, इट्स वेरी बेसिक कि आप इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करके साइड में रख देते हैं। तो मैं आपको जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ वो सिर्फ एक केक बनाने के बता रही हूँ, लेकिन मैं डबल प्रोपोर्शन करके रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे दो केक्स बनाने हैं। एंड फॉर मी इट वर्क्स, मतलब मैं एक साथ बैटर ज़्यादा बना के रखूँ एंड देन आई बेक इट, मेरे लिए वो प्रोसीजर, वो तरीका शायद मुझे आदत हो गई है, तो मुझे वो काम कर जाता है। सो आप अगर वन केक एट अ टाइम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो अभी सबसे पहले हम जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं, इन दिस केस ओनली मैदा एंड बेकिंग पाउडर। अगर आप जो बटर यूज कर रहे हैं वो अनसॉल्टेड बटर है तो आप यहाँ पे चुटकी भर नमक डालेंगे। मैं सॉल्टेड बटर यूज कर लेती हूँ तो इसीलिए मैं नमक जो है वो स्किप कर देती हूँ। सो चलिए मेजरमेंट के साथ मिक्स कर। सबसे पहले मैदा ये लेना है 260 ग्राम्स। नाउ बेकिंग पाउडर, ये भी मैं आपको बताना भूल गई, बेकिंग पाउडर हम डालेंगे 3.5 टीस्पून। ये हो गए हमारे केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इसे मिक्स कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी बेकिंग डिश रेडी करनी है, अब वो आप बटर और मैदा से भी लाइन कर सकते हैं, मैं बेकिंग पेपर से लाइन कर रही हूँ। आप इसे साइड में रख देते हैं और एक अलग बोल में हम मिक्स कर लेते हैं हमारे वेट इंग्रीडियंट्स। सो बटर, जैसे कि मैंने कहा मैं सॉल्टेड ले रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। एंड रूम टेम्परेचर होना चाहिए, देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट, ये देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, मेल्ट करके ना लें तो बेटर है। बेसिकली केक की आपकी कंसिस्टेंसी में बहुत फर्क पड़ता है ये छोटी छोटी चीज़ों से। और ये हमें लेना है 125 ग्राम्स, तो ये मैं इसमें मेजर कर लूंगी 125 ग्राम्स। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, आप एक केक के लिए डालेंगे 1 कप, जैसे कि मैंने बताया मैं 2 बना रही हूँ तो मैं डाल रही हूँ 2 कप्स ऑफ शुगर। और इसके बाद ना पहले आप इसको सिर्फ अपने स्पून से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना, मतलब एक दूसरे को ये मिक्स हो जाए। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप डायरेक्टली विप करेंगे तो जो शुगर है वो हर जगह उड़ जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम अच्छे से विप कर लेंगे, इसे बेसिकली हमें बहुत ही क्रीमी और स्मूथ कंसिस्टेंसी तक विप करना है। एंड इसके बाद आप इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, फिर से एक छोटा सा क्विक सा विप कि ये मिक्स हो जाए। इसके बाद शुरू करेंगे एग्स डालना, आप एक एग एट अ टाइम डालेंगे और एक क्विक विप देंगे, एक या मैक्स 2, उससे ज़्यादा नहीं, 2 एग्स डाल के भी आप एक साथ विप कर सकते हैं। मेक श्योर ऑल योर इंग्रेडिएंट्स आर रूम टेम्परेचर, प्लीज़ मैं ये बार बार बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। सो ये बटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है, अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था वो एंड मिल्क, मैं 1 कप मिल्क ले रही हूँ। एज आई सेड अर्लियर कि मैं 2 केक्स बना रही हूँ, आपके केस में आप सिर्फ 1/2 कप ऑफ मिल्क लेंगे। एंड मैं टाइम में लगेंगे बोल रही हूँ, मेक श्योर कि आपका मिल्क भी जो है वो रूम टेम्परेचर में हो, ना गर्म हो ना ठंडा हो, इट शुड बी एब्सोल्युटली रूम टेम्परेचर। तो चलिए अब बारी बारी करके हम लोग इसे मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा, उसे मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा दूध, फिर मैदा, दूध, ऐसे करते करते स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द मैदा, मतलब आप मैदा 3 बार डालोगे और दूध 2 बार डालोगे। कन्फ्यूजिंग हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये हमने थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर डाला और इसे फोल्ड किया, अब आपको विप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है, अब हम डालेंगे 1/2 मिल्क, जितना भी हमने लिया हुआ है उसका 1/2 डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला स्टेप थोड़ा पेशेंस वाला है क्योंकि मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त जाता है, इट्स नॉट द विपिंग मशीन की आप ऑन करो और ज़रूरत से वो पूरा मिक्स हो जाता है। सो आप एक इमेजिनरी 3 पोर्शन में अपने मैदे का डिवाइड कर लीजिए और उस हिसाब से आप एक एक हिस्सा लेके डालिए, बस इसी तरीके से आपको फोल्ड इन करते जाना है। ये मैंने अपना पूरा मिल्क सेकेंड वाले स्टेप में ख़त्म कर लिया, मतलब सेकेंड मिल्क वाले स्टेप में ख़त्म कर लिया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये लास्ट मैंने पूरा मैदा भी डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड दैट्स इट, हमारा स्पॉन्ज केक का बैटर जो है वो रेडी है। यम, ओवन भी प्री हीट हो चुका है, बेकिंग डिश भी रेडी है, इसमें जल्दी से मैं अंदाजन 1/2 पोर्शन ऑफ माय बैटर डाल देती हूँ और फिर बेक कर लेती हूँ। सो मेरा पूरा बैटर जो है रेडी हो गया है और बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का रेडी हुआ है।
इस वक्त ये पेपर थोड़ा ऐसे वैसे हो रहा है, बट ट्रस्ट मी जो प्रोडक्ट निकल के आता है जिसका बेकिंग पेपर इज वेरी वेरी अमेजिंग, उन्हें नीचे से काले होने का बिल्कुल डर नहीं रहता। मैं इसे दो में डिवाइड कर रही हूँ अंदाजन, आई एम नॉट मेजरिंग एंड ऑल, और आप जब भी करेंगे तो जगह छोड़िएगा बिकॉज केक बहुत फूलता है। सो दैट्स आई थिंक आई एम गुड। ये वाला मैं अपने सेकंड बैच में डालूंगी थोड़ा सा इसको। ओके सो लेट्स बेक इट एट 180 डिग्रीज फॉर 25 मिनट्स। जो मैंने आपको हीट का बताया था डिग्री वो सेम रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आइसिंग शुगर की। आपको चाहिए 480 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। ये आप एक वेसल में निकाल लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ये 1/3 कप, मैंने थोड़ा सा हीट लिया है, और मैं इसका हाफ और डालूंगी ऑफ कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर होगा जो हम केक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और इसे हम अच्छे से ड्राई जो है मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद जल्दी से केक चेक करते हैं एक बार। 25 मिनट्स हो गए हैं, बाहर से केक जो है वो कुक है, लेकिन सेंटर में जब मैं टूथपिक डाल रही हूँ तो ये देखिए अभी भी थोड़ा सा रॉ है, तो इसे अराउंड 10 मिनट्स के लिए और रखेंगे। सो ये सॉस बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये सब मिक्स कर लिया हमने, आइसिंग शुगर एंड कोको पाउडर मिक्स कर लिया हमने। अब मैं यहाँ पे एक कप फुल बॉइलिंग हॉट वाटर ले रही हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, तो अपनी डिजायर कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं रुक जाऊंगी। अगर आपको एग्जैक्टली बाय मेजरमेंट जाना है तो आप इस प्रोपोर्शन के लिए हाफ से थोड़ा मे बी 2-3 चम्मच ज्यादा पानी डाल सकते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। पर मैं कभी कभी उसे थोड़ा ज्यादा भी डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी थिन होती है तो और ज्यादा अच्छे से कवर होता है, एंड यू नो द केक टेक्स इट वेल। बाकी जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको एक अंदाजा मिलता जाएगा। सो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना शुरू करूंगी। सबसे पहले हाफ कप डाल दिया, इसको मिक्स करते हैं। जो सेकंड टाइम मैंने पानी ऐड किया उसमें बस थोड़ा सा बच गया था, बाकी मैंने ऑलमोस्ट पूरा डाल दिया। एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कोई भी पाउडर के जो लम्प्स है वो नहीं रहे, पूरा एक स्मूथ हमारा सॉस बन जाए। देखिए दिस इज जस्ट परफेक्ट, है ना, इसमें हमारी केक्स जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से डिप हो जाएंगे। और अब इसमें एक चम्मच जो है आप बटर मिक्स कर देंगे, ताकि एक बहुत ही प्रिटी सी, जैसे हम गनाश में डालते हैं फॉर दैट शाइन, बहुत ही प्रिटी सी शाइन आ जाती है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ दिस सॉस, अगर अब जैसे मेरा केक ठंडा होने में वक्त है, लेकिन मैंने सॉस बना के रख ली क्योंकि मुझे नहीं पता कि रूहान मुझे कितना टाइम देगा, तो अगर मुझे बीच में इसके पास जाना भी है तो एटलीस्ट आई नो दैट द केक एंड द सॉस इज रेडी एंड आई कैन असेंबल इट लेटर। सो इसीलिए मैंने रेडी कर लिया है। अब अगर मुझे इसे बाद में यूज करना है, जब मुझे लगता है सॉस थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट कीप अ हॉट वाटर वेसल नीचे, उसके ऊपर ये रखेंगे, और फिर हमारी जो सॉस है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। सो केक एकदम परफेक्टली बेक हो गया है। अब मैं इसको निकाल दूंगी बाहर, थोड़ा ठंडा होने दूंगी। इसे कट करें, इसका ठंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्रम्स एकदम आपके हाथ में आ जाएंगे और कोई पॉइंट नहीं है, आप असेंबल भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी इसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखूंगी, फिर मैं इसे फ्रिज में डाल दूंगी, या लास्ट टाइम तो मैंने फ्रीजर में 10 मिनट के लिए डाल दिया था, तो ये एकदम ठंडा हो गया था। दैट्स द परफेक्ट वे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट इसे फ्रिज में छोड़ के नेक्स्ट डे असेंबलिंग कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इसे ठंडा कर लूँ, उसके बाद अब हम असेंबलिंग के लिए मिलते हैं। ये हो गया है मेरा केक ठंडा, और अब टाइम टू कट इट। बस इसको कट करते वक्त बहुत प्यार से इत्मीनान से कट कीजिएगा। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कुकिंग में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और केक कट करते वक्त तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसको मैं स्क्वायर्स में, क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से क्यूब में कट कर रही हूँ। ओके सो टाइम टू असेंबल। अब इसे असेंबल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और सब लोग आ चुके हैं, बस जल्द ही झलक का एपिसोड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और हम सबको इंतजार है किसका, ऑब्वियसली शर की परफॉर्मेंस का। सॉस थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए देखिए नीचे मैंने बॉइलिंग हॉट वाटर ले लिया है, और इसके बाद इसको मिक्स करी हूँ, तो सॉस एकदम परफेक्ट हमारी हो गई है। आप लेंगे एक केक का टुकड़ा, उसको अच्छे तरीके से सॉस में डिप करेंगे। आप चाहें तो फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुझे हाथों से कंफर्टेबल लगता है क्योंकि टूटने का डर नहीं रहता। और इसके बाद लास्ट स्टेप, हम इसको डेसिकेटेड कोकोनट से पूरे तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। एक
बार फिर से एक क्विक रिकैप देख लीजिए. हम लोगों ने अच्छे से सॉस में डिप किया, उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट अच्छे से कवर किया, एंड दैट्स इट. रेडी है मेरे लैमिंगटन्स. हम सब ने साथ में बैठ के एपिसोड भी देख लिया शोएब का और बहुत मजा आया. एंड मैं लाइव भी गई थी, तो इस वक्त आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों ने 50 वोट्स कर दिए, कोई कह रहा है आपने 150 वोट्स कर दिए, कोई कह रहा है घर के सारे फोन्स लेके 200 वोट्स कर दिए. उसके लिए थैंक यू सो मच सो मच. मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जैसे जैसे यू नो कॉम्पिटिशन आगे जा रहा है, आपके और साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो एनीवेज, ये रहे मेरी फेवरेट लैमिंगटन्स. मैं एक बाइक लेती हूँ अगेन आपको लेयरिंग दिखाने के लिए. सो ये देखिए, इस तरीके से आपकी आइसिंग अच्छी तरीके से बैठ जाती है. और मैंने करीबन अब ये एक घंटे एक डेढ़ घंटे फ्रिज में थे, तो वो बहुत ही अच्छे से रेस्ट हो गए हैं. और इसकी शेल्फ लाइफ भी अराउंड अ वीक 10 डेज होती है. आप ये बना के अपने फ्रिज में हफ्ता 10 दिन रख सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो. लेकिन उतना लंबा बचेंगे या नहीं पता नहीं. इफ देयर आर पीपल इन योर हाउस हु लव्स केक, तो ये एकदम ऐसे खत्म हो जाने वाली चीज़ें. सो दिस इज वन ऑफ माई चाइल्ड हुड फेवरेट्स, जो मैं बचपन में बहुत खाया करती थी. सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा. और ये भी बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा. और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा. लव यू ऑल.